बहुत खूब बहुत खूब। क्या कह रहा था, वैसे मैं एक चीज आपको कहना चाहता था, बड़े से सम्मान, दुनिया में जितनी महिलाएं मुझे सुन रही हैं उनको बहुत सम्मान के साथ एक चीज कहना चाहता हूं कि जो मर्द लोग होते हैं जिनमें हम लोग भी शामिल हैं तकनीकी तौर पे, इनके दिल में क्या चल रहा है कभी कोई पता नहीं कर सकता। जैसे 4-5 दिन पहले की बात है, क्रिकेट का सीजन चल रहा है, पति पत्नी रात को कमरे में लौटे और पति मुंह उधर करके लेट गया, पत्नी इधर। अब पत्नी परेशान, कही आज मुंह उधर करके क्यों लेट गए। अब पत्नी बड़ी परेशान, इनका किसी और से चक्कर तो नहीं चल रहा, ये क्या मैं आजकल इनको खूबसूरत नहीं लगती, इनका मुझ में इंटरेस्ट खत्म हो गया, आखिर हुआ क्या है। और पति उधर मुंह घुमा के ये सोच रहा था कि धोनी ने लास्ट ओवर आखिर नेहरा को दिया क्यों। जिंदगी में हमारे दिलों में क्या चलता है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे चेहरों पे एक ही चीज होती है, वो है खुशी। और उस खुशी के लिए हम मिलकर कहते हैं बहुत खूब। भाई, इंग्लैंड के खिलाफ धोनी ने नेहरा को आखिरी ओवर दे दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। इससे मुझे एक बात और याद आ गई, दबंग फिल्म पिछले दिनों आई थी और उसका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था कि हमें प्यार से डर लगता है साहेब, हमें थप्पड़ से नहीं डर लगता, हमें प्यार से डर लगता है साहेब। और धोनी भारतीय क्रिकेट टीम का हाल देख के इन दिनों ये कह रहे हैं कि अपने कोच को ये कहते होंगे, ऐसी मेरी कल्पना है, कि हमें अफरीदी और अख्तर से डर नहीं लगता साहेब, हमें मुनाफ और नेहरा से डर लगता है। सुधर जाए तो बड़ा काम हो। खैर साहब, भारतीय क्रिकेट की चर्चा हम फिर कभी करेंगे, लेकिन जो हमारे खिलाड़ी हमारे साथ हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं। हमारे वो खिलाड़ी जो आज अपने कविताओं के बल्ले से चौके और छक्के लगाएंगे, वो हमारे साथ है। आइए मिलते हैं उनसे। आज मंच बड़ा हरा भरा है क्योंकि काफी हरा हरा है। बिल्कुल बिल्कुल, बीच में कुछ खलियान खाली है लेकिन आसपास काफी हरा हरा है। क्या बात, इधर भी हरा है, इधर भी हरा है, बीच में भरा है, बीच में तो बस धरा है लेकिन ये जो धरा है वो बड़ा कमाल का है, क्योंकि आइए हम मिलते हैं तीनों से। जो सबसे पहले इधर बैठी है, इनका नाम लता हया है। जो बच्चे हमें देख रहे हैं उन्हें बता दूं, हया का मतलब शर्म होता है, जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। थोड़ी शर्म करो भैया, माँ बाप की शर्म करो, चीजों की शर्म करो। हया का मतलब शर्म है, लाज है। लता जी ने कविताओं की लाज बचा रखी। वैसे इनका मूल नाम लता नागर है, मूलतः राजस्थान की रहने वाली है, लेकिन ये टेलीविजन सीरियल्स में काम करती हैं, शायरी करती हैं, इसलिए मुंबई इनकी कर्म भूमि है। हम लता हया का स्वागत करते हैं। और बीच में जो मैं कह रहे थे, ये जो नायब तहसीलदार साहब बैठे हैं, ये पद से नायब तहसीलदार है, न जाने ऐसे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं जैसे पब्लिक ने इनको दे दिया हो कुछ, उसके बाद ये धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हो कि भाई धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जो नायब तहसीलदार होते हैं, नायब क्यों होते हैं? नायब काम करते हैं इसलिए। वैसे मुझे ध्यान था कि उर्दू में शायद डेप्यूटी को नायब कहा जाता है, शायद इसलिए, पर इन्होंने एक नई चीज निकाली कि नायाब काम करते हैं। इसमें नायाब चीज ये है कि ये काम करते हैं, वरना मुझे जहां तक जानकारी है कि हमारे सरकारी कर्मचारी जो हैं वो काम करते हैं कभी कभी, लेकिन आप कविताओं का काम करते हैं। इनका नाम सुरेश अजनबी है, हम स्वागत करते हैं सुरेश जी। और उसके बाद इटारसी से आए हुए या खास तौर पर मंगाए हुए राजेंद्र मालवीय हैं। राजेंद्र मालवीय कमाल के व्यक्ति हैं, जब ये सुनाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो हम स्वागत करते हैं राजेंद्र मालवीय जी का। तो आइए प्रारंभ करते हैं महफिल का, और महफिल में शमा रोशन करते हैं उनसे जो जिंदगी के वाहन प्रस्थ में हैं लेकिन अभी भी पूरी ऊर्जा से भरपूर हैं और आने के लिए यहाँ बेताब। तो सुरेश अजनबी जी जरा आए, हम उनके लिए जोरदार तालियां। सुरेश, धमाल के कमाल को सलाम करता हूँ और खजाने में जमा आज की शाम करता हूँ, और हास्य व्यंग सुनाने से पहले पूरे हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूँ। हिंदुस्तान को प्रणाम इसलिए करता हूँ कि हमारे यहाँ पर कभी कभी मिलीजुली सरकारें बन जाती है जी, और मिलीजुली सरकारें जब बन जाती है तो बड़ा धर्म संकट पैदा हो जाता है। संकट क्या पैदा होता है, हम देखते हैं अक्सर संसद की कार्रवाई में, तो कुछ पेरोडी में पढ़ने का प्रयास करता हूँ, मिलीजुली सरकार की पेरोडी, और फिर क्या होता है देखिए। मिलीजुली सरकार बन रही है। मिले दल मेरा तुम्हारा तो दल दल बने हमारा,
मिले दल मेरा तुम्हारा तो दल दल बने हमारा, दल के गुंडे कुछ दिशा से आकर संसद में मिले और चप्पलों का रूप लेके बरसे सबके सर पे। मिले दल मेरा तुम्हारा तो दल दल बने हमारा, सत्ता की भर्ती में सटका हुआ नेता पा जाए कुर्सी का पाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्ता की भर्ती में सटका हुआ नेता पा जाए कुर्सी का पाया, ऐसे ही मकसद को मन में बसा करके कुर्ता बदल के मैं आया। बढ़िया, 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 बहुत खूब। तुम अगर मंत्री पद का अच्छा वादा करो मैं हर दिन नया दल बदलता रहूं। तुम अगर मंत्री पद का वादा करो मैं हर दिन नया दल बदलता रहूं, और जिधर मंत्रालय का बिस्तर दिखे ले उस ओर करवट फिसलता रहूं, ले उस ओर करवट फिसलता रहूं। और दल बिकते हैं जी, वो खरीदे जाते हैं, तो बिकने वाला दल खरीदने वाले से बोल रहा है जी। कि मेरे दल का भाव क्या है। कि मेरे दल का भाव क्या है, तू कहे तो मैं घटा दूं। कि मेरे दल का भाव क्या है, तू कहे तो मैं घटा दूं, तेरी मांग तू बता दे मेरे सांसद गिना दूं। मेरे दल का भाव क्या है, तू कहे तो मैं घटा दूं। और एक व्यंग पैरोडी देखिए, दो पंक्तियों का छोटा सा, अगर आपको लगता है कहीं मैंने व्यंग करने का प्रयास किया तो दो पैरोडी देखिए। कि दे दो नोटों के दो सूटकेस प्यारे, हम हो जाएंगे फटाफट तुम्हारे। कि दे दो नोटों के दो सूटकेस प्यारे, हम हो जाएंगे फटाफट तुम्हारे, और हमें वतन से क्या लेना, क्या क्या लेना, और हमें वतन से क्या लेना, क्या लेना, हमें क्या लेना, क्या भाई। सुरेश जी आपने कहा कर दिया, दल बदलने वाले नेताओं पे जो बात कही, मुझे एक कवि का दोहा याद आ गया, वो बहुत बढ़िया कहते हैं। उस कवि ने कहा है कि दल बदलू को देखकर पत्नी आपा खोए, दल बदलू को देखकर पत्नी आपा खोए, अब के दल बदला तूने मैं बदलूंगी तोए। जीवन में ऐसा हो कि दल बदलने वाले नेताओं के साथ कभी कुछ ऐसा हो ताकि जनता कह सके बहुत खूब। दल बदलने की बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले सुरेश अजनबी, लेकिन दल बदले तो बदले, दिल नहीं बदलने चाहिए आपके, हमारे दिल बदलते नहीं, क्योंकि दिलों में होती है प्यार मोहब्बत, और प्यार और मोहब्बत की जब बात चलती है तो भाई जो शेर और शायरी होती है वो कमाल की होती है। मोहब्बत एक शेर में जो कह दी जाती है उसके लिए जिंदगी कम पड़ती है, और जब ऐसा कोई शेर सामने आ जाए तो भाई कमाल होता है। लता हया के पास ऐसे बहुत सारे शेर हैं जिसमें मोहब्बत कूट कूट के भरी है, तो मैं चाहता हूँ लता हया जरा यहाँ आए और हमें कुछ ऐसा सुनाए कि हम उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। शैलेश जी, आपने अभी शुरू में कुछ चौके छक्के की बात कर रहे थे जी, तो मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। एक चीज ऐसी है जो इस मंच से लेके साहित्य के दूसरे मंचों तक और फिल्मों से लेके संसद तक छक्के लगाती रहती है, चाहे मैदान में किसी भी तरह के विकेट कीपर आए, चाहे कैसे भी लोग आए, चाहे कैसे भी एम्पायर आए, वो है हमारी भाषा।
हिंदी। तो मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहती हूँ कि चाहे आप राजस्थान के हैं, देखिए हम लोग राजस्थान के सब अलग अलग लोग हैं, कि चाहे मीरा या कबीरा रही मनो रसखान में, जोर मेरा ही चले मुंबई के राजस्थान में। चाहे मीरा या कबीरा रही मनो रसखान में, जोर मेरा ही चले मुंबई के राजस्थान में। हम है हिंदी और ये पहचान अपनी है हया, तब तलक है जब तलक हिंदी है हिंदुस्तान। ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग निहत्तों से लड़ा करते हैं, अपनी कम जरफी का इजहार किया करते हैं, अपनी कम जरफी का इजहार किया करते हैं। और देखिए एक शेर के लिए मैं गजल सुना रही हूँ, वैसे सब समझने वाले हैं जो भी सुनते हैं, फिर भी शाहीन बाज को बोलते हैं परवाज, उड़ान को बोलते सुनेगा, कि शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो, यूं तो कव्वे भी फिजाओं में उड़ा, यूं तो कव्वे भी फिजाओं में उड़ा करते हैं। और देखिए पहला जो मैं मिसरा सुना रही हूँ वो आदमियों के लिए, दूसरा मिसरा औरतों के लिए। तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो, तुम तो घर में भी खयानत की तरह रहते हो, हम तो बाहर भी अमानत से रहा करते हैं। क्या बात है, हम तो बाहर भी अमानत से रहा करते हैं। और देखिए अभी आप प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, सुनिएगा शेर पहुंचा रही हूँ, कि ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं हम, ना तो शौकीन सफर के हैं ना मजबूर हैं हम, हम तो हिंदी के लिए तुमसे मिला कर, हम तो हिंदी के लिए तुमसे मिला करते हैं। मुझे समझ में आया, राजेंद्र मालवीय जी आदमी कह रहे थे एमए हिंदी लिटरेचर में एडमिशन लेना चाहते हैं। अच्छा सुनिए, वो जो महरूम है तहजीब की दौलत से हया, वो जो महरूम है तहजीब की दौलत से हया, हम तो उन लोगों के हक में भी दुआ करते हैं, यूं तो कव्वे भी फिजाओं में उड़ा करते हैं। देखिए शैलेश जी एक बात मैं कहना चाहूंगी, हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करें, वो हमें यहाँ तक लेके आते हैं, लेकिन आप प्यार मोहब्बत की बात करें, आज औलाद अपने माँ बाप से प्यार नहीं करती, बुढ़ापे में उन्हें जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ आती है। मैं इस मंच से देखिए उस मोहब्बत को जिंदा रखिए बुढ़ापे तक, जब तक जिंदगी है। एक छोटी सी नज़्म आप तक पहुँचा रही हूँ, सुनिएगा, कि लड़कियों को मरवा दिया जाता है जन्म से पहले, वृद्धाश्रम खोल दिए जाते हैं, लड़कियों को अहमियत नहीं दी जाती। अब सुनिएगा, कि उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। क्या बात है, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई, वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई, है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई, और बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप जब मांगे नहीं जेबों में एक पाई, मगर माँ बाप जब मांगे नहीं जेबों में एक पाई। और खास तौर से बंद सुनेगा शैलेश जी, सुनेगा, कि वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी ना सिखलाई, जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है, बुढ़ापा तुझ पे भी आएगा क्यों भूला ये सच्चाई, और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा, तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा, तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोद ना खाई, जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए, अगर जिंदा रही पूछेगी तुझसे तेरी माँ जाई, बता बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, बता किसके लिए तूने
ने कमाई थी यहाँ दौलत, मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई। खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और आखिरी बंद देखिएगा कि खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। और जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। बेटी जब आप ये नज्म सुना रही थी, मेरे जहन में दो चीजें अचानक आई। एक दोहा जो मैंने एक बड़े कवि का पढ़ा था, और एक मेरी कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आने लगी। दोहा बहुत साधारण है, लेकिन साधारण से शब्दों में उन्होंने बड़ी बात कह दी कि उसने पढ़ लिख कर यहाँ सीखी यही तमीज, उसने पढ़ लिख कर यहाँ सीखी यही तमीज, बूढ़ी माँ लगने लगी उसे पुरानी चीज। ये जिंदगी की सच्चाई है। तब मुझे मेरी कविता की पंक्तियां याद आती है। पिछले दिनों मैंने कहा था कि हम मांगना किससे चाहते हैं और मांगते किससे हैं, और मांगना किससे चाहिए और मांग कहाँ लेते हैं। एक आदमी था जो ईश्वर से रोज कुछ मांगता और उसे नहीं मिलता। तो एक दिन वो मंदिर में चला गया और रो पड़ा, कहता कि तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या, तू क्यों नहीं सुनता मेरी, क्या दमदार मेरी दुआ नहीं है क्या। ईश्वर प्रकट हुए और बोल उठे, तू यहाँ क्यों चला आया मांगने, तेरे घर में माँ नहीं है क्या। लेकिन जो जहाँ होता है हम उसके होने का एहसास नहीं करते, लेकिन हम एहसास करते हैं आपके और होने का। हम लौट के आते हैं, तब तक अपनी माँ को प्रणाम कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको ये मौका दिया कि आप माँ को प्रणाम कर सकें और कह सकें कि बहुत खूब। हाजिर हम फिर से जिंदगी के खूबसूरत नगमे सुनाने के लिए, कविताएं सुनाने के लिए, जिंदगी के इस धूसर मटमैले चित्र में रंग भरने के लिए। तो आइए हम हंसी के कुछ रंग भरते हैं हमारे मित्र राजेंद्र मालवीय के साथ, जो हमारे बीच हंसी चाहे हैं। राजेंद्र मालवीय उपस्थित है, मैं चाहता हूँ वहां और आपको कुछ हंसाए राजेंद्र मालवीय। सभी को प्रणाम करता हूँ, और जरा थोड़ा बहुत ऐसा वैसा वातावरण हो गया है, इतनी गंभीरता की बात जिंदगी में जरूरी नहीं है। तरह तरह की बात निकल के आती साहब, मैं पूरी दुनिया में आलसी के नाम से प्रसिद्ध हूँ, मेरे बारे में हमेशा आलसी कहा जाता, मगर मैं ये कहता हूँ शैलेश जी, मैं उतना आलसी नहीं हूँ, मैं काम करता रहता हूँ। अच्छा। मगर मैंने जिंदगी में जितने भी काम किए सब उल्टे हो गए। अच्छा। बिल्कुल उल्टे हो गए। बचपन में 10 साल बड़ी महिला से मोहब्बत की थी। कारनामा देखें आप, देख रहे, बचपन में 10 साल बड़ी महिला से मोहब्बत की थी, उस मोहब्बत ने आकर अब हमें झटका दिया। महिला ने तो सीनियर सिटीजन की सारी सुविधाएं ले ली, हमको बीच में ही लटका दिया। वाह, हमेशा यही होता है। जो काम करता, अभी 2-3 दिन पहले यमदूत मेरे घर आया। अच्छा। बोला राजेंद्र मालवीय मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। जस्ट। ओ, मैंने अपनी पत्नी को सामने खड़ी करके कह दिया भाई साहब लेडीज फर्स्ट। क्या बात है। उसे देखकर यमदूत घबरा गया, बोला यार इसे सामने से हटाओ, मैं इसे देखकर डर रहा हूँ। मैंने कहा यमदूत मेरे बाप, मैं इस खतरनाक आइटम के साथ 27 साल से गुजारा कर रहा हूँ। तो वो बोला तू ऐसे ही गुजारा कर, तेरे को मारने की क्या जरूरत, तू यही मर। वाह वाह वाह। यही पड़े हुए हैं, तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं। अभी तो मैंने शैलेश भाई लता जी से कहा जी, क्या कलर एक सा था, मैंने कहा थोड़ा सा मैचिंग वाला मामला है। मैंने कहा लता जी मेरा मन मंदिर है, तुम इसमें आ जाओ, बंदा तुम्हें बुलाता है। इन्होंने चप्पल उतार ली। मैंने कहा क्या कर रही हो, बोली चप्पल उतार के ही मंदिर में आया जाता है। जो भी काम करता हूँ उल्टा हो जाता। अभी कुछ दिनों से बंबई में रह रहा, मैंने कहा यार पत्नी को कभी इटारसी में रह के खुश नहीं किया, चलो बंबई में रह के खुश करते हैं। मैंने 4,000 रुपए की एक साड़ी खरीदी, अब मैंने कहा भेज दूँ वो पहन लेगी, फिर मेरे ध्यान में आया बड़ी कंजूस है। मैंने कहा 4,000 लिखूंगा तो पहनेगी नहीं, मैंने उसमें लिख दिया 400 रुपए की साड़ी तुम्हारे लिए खरीदी है, इसको पहन लेना। 8 दिन बाद उसकी चिट्ठी आई, 400 वाली साड़ी मैंने 800 में पड़ोसन को बेच दी है। अरे ऐसी 15-20 साड़ी और भिजवा दो, डबल का धंधा। जो भी काम करता हूँ उल्टा हो जाता, और बात पहुंच जाए तो ढंग से आशीर्वाद देना साहब,
तरीके की बात देता हूँ, 20 लाख रुपए डोनेशन देकर जो भी काम करता हूँ उल्टा हो जाता, 20 लाख रुपए डोनेशन देकर लड़के का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया, 20 लाख रुपए डोनेशन देकर लड़के का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया। एडमिशन कराते ही हमारे सर पर गम के बादल छा गए, लड़के को डॉक्टर की डिग्री मिली नहीं, बीच में ही रामदेव बाबा आ गए। बहुत खूब। लड़के को डॉक्टर की डिग्री मिली नहीं, बीच में ही रामदेव बाबा आ गए। हमने रामदेव बाबा से कहा 20 लाख रुपए का गड्ढा हो गया है, इस गड्ढे को भरो। बाबा बोले सब ठीक हो जाएगा, कपाल भांति और अनुलोम विलोम करो। बहुत खूब। क्या बात है राजेंद्र जी, भाई बहुत खूब। राजेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। बहुत खूब, मैं क्या कहूँ, मैं बड़ा ही मुरीद हो गया हमारे इन साथियों का। बड़े बड़े अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से इन्होंने अपनी बातें बताई, और ये सचमुच देवदूत हैं। अगर आप किसी के चेहरे पे हंसी ले आते हैं तो उनसे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं करता। आप लोग सचमुच इस दुनिया में हंसी बांटने का काम कर रहे हैं, खुशी बांटने का काम कर रहे हैं। आप सचमुच स्वागत के योग्य हैं। मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी है। मुझे एक कवि की दो पंक्तियाँ याद आती, वो कहते हैं कि आंसू कब के सूख गए, खो गई मुस्कान। आंसू कब के सूख गए, खो गई मुस्कान, और हर चेहरे पे आजकल फैला रेगिस्तान। और उस रेगिस्तान में आप ये जो सरोवर बहाते हैं कविता का, आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। इसी तरह जिंदगी में ये हास्य की, खुशियों की सरिता बहाते रहें, लोग तृप्त होते रहें, अपनी प्यास बुझाते रहें, लोग आपसे रोज ऐसी चीजें सुनते सुनाते रहें। हम ईश्वर से यही चाहते हैं कि ईश्वर हमें ये मौका बार बार बख्शे कि हम आपके घरों में आए, हंसी और खुशी के दिए जलाएं, और चारों ओर जिंदगी खूबसूरत है ये नारा लगाएं, और इस खूबसूरत जिंदगी को और खूबसूरत बनाएं। आइए एक बार मिलकर दोहराएं, बहुत खूब।